तो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू अनदर ब्लॉग। तो अभी मैं जा रहा हूँ गायों का दूध निकालने, और अभी सुबह के बज चुके हैं 7। और ये सब का मैं दूध निकाल लिया हूँ, और ये सब खड़ी है मस्त अपना दूध का, पर इसको वहाँ पे बांधेंगे, फिर नीचे का खड़पा धोएंगे। और अभी समय हो चुका है 7:45। तो धो भी दिए और नीचे का खड़पा भी धो दिए एकदम साफ, और कोवर भर का रखी है मम्मी, आएगी तो फेंक देगी। और बाकी ये सब अपना काम, मतलब सुबह का काम हो चुका है ख़त्म। एक और काम करने जा रहा हूँ, अभी छत पर का जा रहा हूँ, टंकी साफ करना है, मतलब जिसमें पानी भराता है वो टंकी थोड़ा गंदा हो चुका है अंदर से, तो उसको साफ करने में टाइम लगेगा कम से कम 1-1.5 घंटा, मुझे तो लगता है उतने, अब पता नहीं आप सभी का। तो ये है टंकी, और इसे साफ करेंगे, लेकिन इसमें क्या है, कितना गंदगी है देख सकते हैं, और ये पानी पूरा भरा हुआ है, तो इसको खाली करना पड़ेगा। बाल्टी, सरफ और ये ब्रश ला दिए छत पे, और टुल्लू का पानी भी पाइप का ऊपर ला दिया, और ये रही टंकी, और टंकी हम खाली कर रहे हैं। थोड़ा सा ही पानी है, मतलब बस खाली हो जाएगा तो धोएंगे। हो रहा है 10:30, और देखते हैं कितना टाइम लगता है मुझे साफ करने में। तो ये टंकी खाली हो चुका है पानी, और अब इसको जा रहे हैं अंदर से साफ करने। टंकी साफ हो चुका है एकदम अंदर से क्लीन, और हम चल रहे हैं अब नीचे, और धूप बहुत तेज लग रहा था भाई, धूप में ही साफ ही है, पूरा क्लीन हो चुका है। तो अब चलते हैं नीचे, और नीचे जाकर नहाते हैं, क्योंकि गंदे हो चुके हैं हम भी। और मेरा छत ये कुछ इस तरह रहा, और मौसम देख सकते हैं कितना गहरा धूप है। तो मैं नहा कर बाहर आकर देख रहा हूँ, तो ये दोनों आग लगा रही हैं बीच सड़क पे। शाम के बज चुके हैं 4, और मैं जा रहा हूँ इन सबको सानी पानी करने, और मौसम ऐसा लग रहा है कि बारिश होगा आज, काफ़ी तेज चल रहा है, और मौसम देख सकते हैं काफ़ी दिनों से बारिश हुआ भी नहीं है, हो सकता है आज हो। सबको सानी पानी दे दिए, और ये सब अपना खा रही हैं मस्त एकदम, देख सकते हैं आप लोग, अभी इन सब से कोई मतलब नहीं है हमसे, मतलब ये सब अपना खाने में बिजी हैं एकदम। तो अभी जैसे ब्राइटनेस, तो अभी बस वो नहीं खा रही है, वो मेरे को देख रही है, बहुत तकलीफ है, मतलब उसको भी, मतलब कल या परसों उसका भी इंतजाम इसमें करेंगे, और ऐसा व्यवस्था करेंगे कि वो आराम से खा पाए, ये सब उसको डिस्टर्ब ना कर पाए। मतलब जब पहले इसी में खाती थी वो, लेकिन बात क्या है ना, इधर से ये और इधर से ये दोनों मिलकर उसको मारती थी, इसलिए उसको बाद में देते, सब गायों का दूध निकाल लेते हैं, फिर इसके बाद इसको पानी देते हैं, नहीं अगर वहाँ पे देंगे तो खाएगी कम, लेकिन मार ज़्यादा खा जाएगी, इसलिए नहीं देते हैं। ताक रही है, और बाकी सब अपना खा रही हैं सानी। और अभी शाम के बज चुके हैं 4:30, तो 1.5 घंटे में इन सबका दूध निकालूंगा, अभी है 1.5 घंटा मेरे पास। हम देख सकते हैं सही हो गया, अभी एक समय लग रहा था कि बारिश होगा, पर ऐसा लग रहा है कि अभी बारिश का नामो निशान नहीं है कहीं, खेल रहे हैं आपस में। अभी ना 6:30 बज चुका है, हमको आधा घंटा लेट हो चुका है गायों का दूध निकालने में, क्योंकि हम चले गए थे साइकिल अपना बनवाने, क्योंकि कल से जाएंगे रनिंग पे, तो साइकिल से जाते हैं, मतलब बाइक से जाते थे, लेकिन बाइक से रनिंग करने जाना मतलब अच्छा नहीं लगता, तो गए थे साइकिल बनवा दिए, लेकिन इसमें एक और भी गड़बड़ी है कि बार बार उसका चैन उतर जा रहा है, गियर वाली साइकिल है इसलिए। तो अभी आधा घंटा लेट हो चुके हैं, 6:30 बज रहा है, और अब जा रहा हूँ इन सबका गाय का दूध निकालने, तो देखते हैं इसमें कितना टाइम लगता है, पहले इन सबका दूध निकाल लेते हैं फटाक से, ये दूध देने के लिए ऐसे एकदम। तो इन सब का दूध निकाल चुके हैं, और ये दोनों अभी अपने स्थान पे, तो इन सबको अलगा देंगे, और उसके बाद खड़पा दे देंगे, फिर गायों को दे देंगे, क्योंकि सुबह में नहीं धोए थे इसलिए शाम में दे देंगे। तो बस आज के ब्लॉग में बस यही रहा, तो इस ब्लॉग को करते हैं इसी पे ख़त्म। आई होप कि आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो लाइक करें, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं किसी नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।